नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार, खगड़िया के सांसद, लोजपा आर के सांसद हैं, लोजपा आर से जीते हैं, खगड़िया से सांसद हैं। राजेश वर्मा जब दिल्ली से लौटे तो पटना एयरपोर्ट पर उनसे यह सवाल किया गया कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएँ बढ़ी है, मुकेश यादव जो VIP के सुप्रीमो हैं, उनके पिता की हत्या, तो उन्होंने कहा कि उस दुख की घड़ी में हम उनके साथ में हैं, निश्चित तौर पर अपराधियों पर अंकुश लगाया जाएगा, 48 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद राजेश वर्मा, पहले आपको मैं उनके बयानों को सुनाता हूँ। देखिए ये बहुत ही दुखद, हम लोग को इसकी जानकारी हुई, मैंने मुकेश सहनी जी से बात भी इस पर की थी। ये बिल्कुल दुखद घटना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी 48 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे केस का उद्बोधन भी हो जाएगा और तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। और ये इस तरह का अपराध किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है और प्रशासन पूरी तरीके से इसको 48 घंटों के अंदर उद्बोधन करेगा। सरकार पूरी तत्परता से इसको ध्यान में देकर काम कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ कोलैप्स है पूरे तरीके से। देखिए विपक्ष तो ये बात कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात कहने के पहले 2005 के पहले का और जितने जो कार्यकाल उनका भी बीच में रहा उसको भी एक बार ध्यान में रखे। आरोप प्रत्यारोप देखिए, जिस तरीके से अपराधी को आप कहाँ रोक पाने की स्थिति में है, अपराध किसके मन में क्या चल रहा है, क्या मनसा, वो कोई नहीं जान सकता। हाँ, अपराध होने के बाद उस पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये इस सरकार में सुनिश्चित होने का काम होता है जी। नहीं बिल्कुल, हम लोग हमारे नेता को और सिर्फ चिराग पासवान जी को नहीं, चिराग पासवान जी के साथ आदरणीय जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, सबको उसमें सम्मान दिया गया, जगह दी गई, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से अपराध की घटनाएं आ रही हैं, ना केवल सरकार बल्कि प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ती के साथ इसके रोकथाम के लिए और इस पर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करानी है उसके लिए काम कर रहा है। तो आपने सुना, राजेश वर्मा लोजपा आर के सांसद हैं, खगड़िया से हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अपराधी 48 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होंगे, सरकार है काम कर रही है, अपराधी घटनाएं बढ़ी है तो निश्चित तौर पर अंकुश भी लगाने का काम यही सरकार कर रही है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं आपराधिक घटनाओं को लेकर, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए पक्ष और विपक्ष हमेशा करते रहता है, विपक्ष का काम है बोलना कि बोलते रहते हैं, तो वो भूल गए क्या जब उनकी सरकार थी तो आपराधिक घटनाएं भी हुई थी और बढ़ी थी, उस समय वो नहीं बोल रहे थे। निश्चित तौर पर बोलने दीजिए उनको, क्या बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर NDA की सरकार है, निश्चित तौर पर काम कर रही है, आपराधिक 48 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होंगे। और नीतीश कुमार से भी यह गुजारिश करते हैं, बिहार के CM से, कि इस घटना पर वो तुरंत कार्रवाई करें। और उनसे यह भी सवाल किया गया, नीति आयोग में बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री को जगह मिला तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया और कहा है कि माननीय हमारे जो लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ में बिहार से जीतन राम मांझी हैं, ललन सिंह हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार के विकास की गति को आगे निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार सेशन में। ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।